welcome to the English class. Today we will do new chapter from your book Literary Journeys, an English Reader Pre-Primer by Brainroot Series. आज हमारे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ दीज एंड दोज. चलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, दीज हम यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास हो. ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो, मतलब एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ जब हमारे पास में हो, हमसे नियर हो ना, तो हम दीज यूज़ करते हैं. और जब बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हो तो हम दोज यूज़ करते हैं. जैसे दीज आर कैट्स, ये हमारे पास है ना. दोज आर स्टार्स, स्टार्स तो हमसे कितने दूर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम दोज यूज़ कर रहे हैं. These are flowers. Those are clouds. ठीक है, चलिए. These are books. Those are birds. These are trees. Those are mountains. अब हम करेंगे प्रैक्टिस. हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं these और those के साथ. Dash are cups. देखो ये हैंड के पास है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, these. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर पैरट्स. ये पैरट्स हैंड से दूर हैं, तो हमने लिख दिया दोज आर पैरट्स. थर्ड वन, ये जो काइट्स हैं आप देख सकते हैं, ये काइट्स हैंड से दूर हैं, तो यहाँ पे भी आएगा दोज आर काइट्स. डैश आर मैंगोज, दीज आर मैंगोज. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दीज आएगा. डैश आर एरोप्लेन्स, दोज आर एरोप्लेन्स, क्योंकि ये हैंड से दूर है ना. देखो डैश आर कार्स, दीज आर कार्स. ठीक है, दीज आर कार्स, क्योंकि हैंड से पास है. चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट. नाउ Till then, bye-bye and take care.